अभी भी चंद मिनट बाकी हैं और सुबह सुबह नेताओं से जो भी हमारे संवाददाता मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हर कोई भविष्य के संकेत यही दे रहा है कि उसकी जीत होगी। महासिद्ध की जरा पूछिए संदीप दीक्षित से, वो क्या सोचते हैं? आज सारे कैंडिडेट्स और पार्टीज के लिए बड़ा दिन है। 9 फेज्ड इलेक्शंस के बाद आज रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमारे साथ हैं ईस्ट दिल्ली के कैंडिडेट संदीप दीक्षित। संदीप जी, आप सुबह अपने डॉग्स के साथ खेल रहे हैं, रिलैक्स लग रहे हैं, लेकिन नतीजों के बारे में आपका क्या उम्मीद है? देखिए, पूर्वी दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को उम्मीद नहीं है, मुझे कम से कम। और हालांकि काम बहुत हुआ और 10 साल में कहीं ना कहीं दिल में गर्व होता है कि हम लोगों ने पूर्वी दिल्ली की तस्वीर बदली और जो दायित्व दिया गया था वहाँ की जनता द्वारा उसको पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। अब हो सकता है उम्मीद ये है कि शायद लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, हो सकता है पार्टी के रूप में, क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार भी दिल्ली सरकार के चुनाव हुए, इतना सब काम करने के बावजूद लोगों ने किसी और को चुना, तो मुझे लगता है कि वही भावना अभी भी है। आपको क्या लगता है आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई जिनको आप सुधारना चाहेंगे? नहीं, सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं हो सकती, हो सकता है कई कमियां नहीं होंगी, कुछ जगहों पे हम लोग पूरा नहीं बढ़े होंगे, लेकिन कभी कभी लोग शायद एक 10 साल की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और एक दिल्ली सरकार की 15 साल की जो रहती है वो भी कभी कभी भारी पड़ती है। और ठीक है, उन्हीं सरकारों के काम से हम लोग जीतते भी हैं और कभी कभी उनके लोगों को लगता है कि नहीं, अब की बार कोई नई सरकार को मौका देना चाहिए, तो उसका एक असर भी पड़ता है, हम लोगों पर भी पड़ता है। नेशनली आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की क्या साख रहेगी इस बार? देखिए, जो एग्जिट पोल में नतीजा है उससे तो बहुत बेहतर रहेगी। मुझे व्यक्तिगत अनुभव यही है कि नहीं, अच्छा काम हुआ है, इतनी बुरी हालत नहीं है जितना लोग बता रहे हैं, और जो एग्जिट पोल का नतीजा है उससे तो कहीं बेहतर आएगा रिजल्ट। लेकिन अगर डिफीट कांग्रेस को झेलनी पड़ी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, होता है, स्वाभाविक है कि अगर हारे हैं तो हो सकता है सरकार की कामों में कमियां रही हों, हमारे मंत्रियों के औरों के कामों में कमियां रही हों, तो स्वाभाविक है। एक व्यक्ति तो कोई काम नहीं करता, सामूहिक रूप से सबकी जिम्मेवारी होती है। कैंडिडेट्स हो सकता है उस तरीके से अच्छे तरह नहीं लड़े, शायद 2-3 साल हम लोग जो अपनी बातें जनता में जिस तरीके से कहनी चाहिए थी नहीं कह सके, संवाद के जो नए आयाम आए हैं, लोगों के बीच में अपनी बात रखने की जो टेक्नोलॉजी द्वारा नए तरीके बनाए गए हैं उसमें शायद हम लोग कमज़ोर रहे। कई जगहों पे हो सकता है जिस तरीके से, जिस तत्परता से, जिस एक समझ लीजिए व्यक्तिगत रूप से हमें अपनी बात कहनी चाहिए थी, शायद वहाँ चूक हुई, तो इसी कारण हो सकते हैं। संदीप दीक्षित, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मनोज सांगवान के साथ महासिद्दीकी, दिल्ली आज तक। रामकृपाल जी, एक बात जहन में आ रही है कि दरअसल इस एग्जिट पोल ने कांग्रेस को राहत तो नहीं दे दी, इतना नीचे ले गई है कि उनको लग रहा है कुछ तो अच्छा होगा ही और इससे तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब कांग्रेस के पास हारने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जो भी नतीजे आएंगे कांग्रेस को लग रहा हो सकता है कि उसके लिए कुछ अच्छा ही हो, क्योंकि ये बात सही आपकी है कि जितना जो निराशा का माहौल है, जैसे कि नतीजे आने से पहले ही अभी दीक्षित जी तमाम कमियां स्वीकार कर रहे थे, हालांकि अभी शायद लगा हुआ था, हर बात में कहते थे शायद हमसे गलती हुई हो, शायद हमसे गलती हुई हो, तो कहीं ना कहीं ये गुंजाइश है उनके दिमाग में भी कि अभी पूरी तरह से हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, आने दीजिए नतीजे। और जो माहौल है देखिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस का बंदा स्क्रीन पे आके ये नहीं कहेगा कि नहीं, हम बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन सबको इस बात का पता है। तो अगर कोई भी उलट रिजल्ट आता है तो आप ये तय जानिए कि इनके मुरझाए चेहरे में खुशी ही खुशी दिखाई पड़ेगी आपको। ये अलग बात है, उनको पता है कि पावर में नहीं आ रहे हैं, सत्ता में नहीं आ रहे हैं, यानी 272 सीटें तो कांग्रेस को मिलने नहीं जा रही हैं, लेकिन अभी जोड़ तोड़ के अगर कहीं से 235 से नीचे अगर NDA रहता है तो आप ये तय जानिए कि कांग्रेस में एक खुशी की लहर दौड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है।